हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बहुत बहुत यार करता हूँ स्वागत आपको अपने चैनल एजुकेशनल पॉइंट के ऊपर में आने के लिए। हुआ क्या था कि मैंने जो कल डाला था वीडियो हिस्ट्री की, वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट वन, जिसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड किया था सर वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट टू कब आइएगा, सब वीडियो दीजिए, बहुत जल्दी दीजिए। और पटना यूनिवर्सिटी एम बी एड के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता जाता हूँ। तो दोस्तों अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री की मेरी पार्ट वन वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर बिल्कुल दे सकते हैं। मैं उसका वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट वन का मैं दे दूंगा, उसके नीचे जो आप ये वीडियो देख रहे हैं बस आपको एक क्लिक जाकर करनी है नीचे, और मेरे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाकर क्लिक कर लेनी है और जाकर मेरे वीडियो देख लेनी है। अब यहाँ से आता हूँ इंपॉर्टेंट बात कि वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट वन के बारे में क्या सब बता रहे थे। चलिए तो बात करते हैं। देखो यहाँ पर है क्या कि जो बीए बीएससी बीकॉम वाले हैं, जो पटना यूनिवर्सिटी वाले हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, अब तो ये बिहार बीएड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार बीएड में भी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन पूछी जा सकती है, और बिहार में तो और इंपॉर्टेंट है, और जो बीए वाले हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आती है। आप देखिए मेरी आदत क्या है, मैं शुरू से ही मेरी ये आदत है कि मैं कोई भी क्वेश्चन पढ़ता है, फिर कोई भी मैं चैप्टर पढ़ता हूँ उसमें से पूरी निचोड़ में ले लेता हूँ। पूरी नींबू कैसे निचोड़ती है उस तरह मैं नींबू निचोड़ ले लेता हूँ। वही मैंने इस वीडियो में किया है। आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इतना मैं आपको दे दिया हूँ, मेरे ख्याल से इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब चलिए बिना फालतू बकवास की हुए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट वन का पार्ट टू। लेकिन उससे पहले जो लोग पार्ट वन देखने हैं तो वो देख ले, लेकिन मैं आपको पार्ट वन की जो थी क्वेश्चन मैं आपको दोबारा मैं रिवाइज करवाता हूँ जल्दी जल्दी से, ताकि मैं आप लोग को भी याद हो जाएगी दोबारा तिबारा, ठीक है। तो आज मैं शुरुआत करता हूँ। तो मैंने पार्ट वन में ये पढ़ाया था कि फटाफट मैं शुरुआत करता हूँ कि द लॉज और रिपब्लिक स्नाकर कौन थे। द लॉज और रिपब्लिक स्नाकर, देखो यहाँ पे ये शुरू हुई है 8 से 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन मेरे पास अभी नहीं है, ताकि वो पार्ट वन वीडियो में देख लेना। द लॉज और रिपब्लिक स्नाकर कौन थे, तो वो उत्तर इसका प्लेटो। कौन थे दोस्तों? प्लेटो। आगे चलता हूँ यहाँ पर। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। मैं आपको फिर से बोल दूँ, मेरी आदत रही है कि मैं जब भी कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ तो मैं उसको पूरी पूरी निचोड़ ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरा वीडियो देखोगे तो आपको जीके की पूरी की पूरी सिलेबस अच्छा से मैं तैयारी करवा दूंगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। बोस्टन चाय पार्टी घटना कब हुआ था? तो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को बोस्टन की चाय पार्टी घटना हुई थी। बोस्टन चाय पार्टी के नेता कौन थे? तो सैमुअल एडम्स बोस्टन की चाय पार्टी के नेता थे। अब अमेरिका की पूर्व को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिला था? 4 जुलाई 1776 में। कितना मिली थी? तो 4 जुलाई 1776 में अमेरिका का पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 में। कब बना था दोस्तों? तो 1804 अर्थात 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो कार्लो बोनापार्ट। क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट। एग्जाम में पूछती है बहुत ज्यादा। राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है? राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है देखो नेपोलियन को। किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो इंग्लैंड को बनियों का देश नेपोलियन। किसने कहा था दोस्तों? नेपोलियन इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। वाटरलू का युद्ध कहाँ हुआ था? वाटरलू युद्ध दोस्तों कहाँ हुआ था? बेल्जियम में। कहाँ हुआ था दोस्तों? बेल्जियम में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 16 मई 1815 ईस्वी को। लेडी विद द लैम्प किसे कहा था? तो लेडी विद द लैम्प दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से पुकारा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस युद्ध से संबंधित थे? तो आपको क्रीमियन युद्ध से। किस युद्ध से? तो क्रीमियन युद्ध से संबंधित थे। आगे चलता हूँ दोस्तों, क्रीमियन युद्ध कब हुआ था? क्रीमियन युद्ध दोस्तों युद्ध हुआ था आपको 1854 से 1856 ईस्वी तक। फिर नेक्स्ट चलता हूँ यहाँ पर, क्रीमियन युद्ध के में ब्रिटेन फ्रांस और टर्की की संयुक्त सेना किसे पैद किया गया था? तो रूस को। उड डिस्पैच किस वर्ष मतलब निकला था? तो उड डिस्पैच दोस्तों यहाँ पर निकली थी 1854 ईस्वी में। उड डिस्पैच का संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो आपको शिक्षा क्षेत्र से। उस डिस्पैच को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था उड डिस्पैच को। आगे चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर सूडान का युद्ध कब हुआ था? तो सूडान का युद्ध हुआ था 15 जुलाई 1870 ईस्वी को। सूडान का युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच में तो सूडान का युद्ध हुआ था। और आगे चलते हैं, दास कैपिटल रचनाकार कौन थे? दास कैपिटल रचनाकार दोस्तों कार्ल मार्क्स। कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। फ्यू हरर किसने किसे कहा था? फ्यू हरर दोस्तों कहा था एडोल्फ हिटलर को। एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को, ठीक है। आगे चलता हूँ यहाँ पर, एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बॉन में हुआ था। हिटलर के ने अपना अंत कब किया? हिटलर दोस्तों अपना अंत गोली मारकर 29 अप्रैल 1945 में कर लिया। आगे चलता हूँ, हिटलर की आत्मघटना का नाम क्या था? तो मेरा संघर्ष अथवा मीन काम के नाम से ये पुकारते हैं इसको। सर कमान का मटारू की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 1914 में हुई थी। द लास्ट सपर और मोनालिसा का चित्रकार कौन था? तो लियांडो द विंची था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहता है तुर्की। किसे कहा जाता है दोस्तों? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, ठीक है। आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि द लास्ट सपर ये पढ़ी लिए दोस्तों हम लोग। आगे चलते हैं, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो चीन को। किसे कहा जाता है? चीन को हमको एशिया का मरीज कहा था। और ये है लास्ट क्वेश्चन यहाँ की कि लाल कुर्ती नाम से किसे किसने सेना गठन किया था? तो गैरी बोल्टी ने। दोस्तों यहाँ पर हो गई आपको हिस्ट्री पार्ट वन जो मैंने पढ़ाया था, जो कि आपको बहुत ही फास्ट बोल दिया, ढेर सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा,
लेकिन अब यहाँ से दोस्तों शुरुआत होता है हाथ से लिखा हुआ नोट्स, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विश्व इतिहास के बारे में मैंने इसे खुद बनाया है, खुद छाट छाट कर लिखा है, ये पार्ट टू वीडियो है तो देख लो। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना, मेरा पेड ग्रुप है व्हाट्सअप का, चाहते हो मेरे पर्सनल बात करना फिर मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना, तो आप बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप में ज्वाइन होने का नियम कानून जो है आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइए दोस्तों मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होइए। पेड वहाँ पर पेड ग्रुप है, आपको 20 रुपये पेड करनी पड़ेगी, सभी के सभी दिया हुआ है रूल्स नीचे, ताकि आप देख सकते हैं बिहार बीएड और यहाँ पर पटना से दोनों के लिए एक ही नियम है, ताकि वहाँ देख लीजिए। और ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा क्योंकि ग्रुप कल शुरू होने वाली है। तो मैं अब आता हूँ इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर ग्रुप में ऐड हो गए तो आपको सभी कुछ प्रीवियस की सभी कुछ आपको प्रीमियम मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री मिलेगी प्रीमियम, ठीक है। आगे यहाँ से आते हैं दोस्तों, तो यहाँ देखिए मेरी जो आपको खुद से लिखी हुई नोट्स है वो ये है, सुन लीजिए। पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं, यहाँ पर देखिए फ्रांस क्रांति कब हुई थी, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, तो 1789 में फ्रांस क्रांति हुई थी। एग्जाम में आपको पूछ सकता है फ्रांस क्रांति कब हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति या फिर फ्रांस क्रांति, लेकिन एग्जाम में ये पूछेगा कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो किसके नेतृत्व में हुई थी, या फिर उसके बाद जो बना वो कौन मथा रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछ देता है। तो कौन थे, लुई सोलहवां, कौन थे, लुई सोलहवां। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, और इसके जो थे आपको नेतृत्व कौन किया था, तो लुई सोलहवां ने किया था। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है एग्जाम में पूछ देगा, मैं ही राजी हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, फिर से सुनिएगा दोस्तों, कमेंट में फिर सुनिएगा, मैं ही राजी हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, किसने कहा था, तो लुई चौदहवां, किसने कहा था, तो लुई चौदहवां ने कहा था मैं ही राजी हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। एग्जाम में पूछ देगा आपको कि बताइए किसने कहा था, यह कथन किसकी है कि मैं ही राजी हूँ और मैं ही आपको कानून हूँ, ये किसने कहा था, तो लुई चौदहवां ने कहा था, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों पूछ देगा आपको टैले क्या है, दोस्तों टैले जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध कर है जो कि आपको फ्रांस में ली जाती थी, ठीक है। टैले जो एक बहुत ही प्रसिद्ध कर के नाम से पुकारते हैं इसको, वो एक भूमि कर है, ठीक है, टैले क्या है, एक भूमि कर है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह शासन उत्तम है, वो इस यह किसने कहा था, तो दोस्तों यह कहा था हमारे वोल्टेयर ने, किसने कहा था, वोल्टेयर ने, इसको जुबान में बैठा लो, एग्जाम में आएगा छूटे ना आपसे। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह शासन उत्तम है, किसने कहा था, वोल्टेयर ने कहा था। फिर दोस्तों निश्चलते यहाँ पर कि इंग्लैंड को बनियों का देश, कौन सा देश, तो बनियों का देश किसने कहा था, नेपोलियन ने, किसने कहा था, नेपोलियन ने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। फिर दोस्तों आगे चलते हैं, इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो इटली के एकीकरण का जनक कहता है जोसेफ मैजीना को। अब देखो यहाँ पर ये भी याद कर लेना, अब देखो मैं क्या हूँ दोस्तों, मैं आपको जो हूँ जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। देखो आप अगर मेरा क्लास ज्वाइन करोगे पटना यूनिवर्सिटी के लिए, ज्वाइन करना क्या है, बस आपको नीचे जो दिया हुआ है सब्सक्राइब बटन उसको क्लिक करके, और मेरा सभी के सभी वीडियो मेरा देख लेनी है आपको, मेरी क्लास 1-2 आ चुकी है और क्लास मेरी 3 है पीयू के ऊपर में, ठीक है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। और मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि हाँ पूरी पूरी किताब कथा पढ़ लो, मैं आपको हर दिन खुद से लिख कर छाट छाट के नोट्स छाट छाट के मैं आप लोगों को दे दूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी मैं दे दूंगा, धीरे धीरे आधुनिक भारत सभी की, और इतना अच्छा नोट्स दूंगा कि आप लोग को यहाँ पर एग्जाम में से एक भी ना छूटे, ठीक है। बस आप लोग का मेरे विश्वास है कि मेरी हर क्लास को देखनी है, अगर मैं इतना कर रहा हूँ मेहनत, तो फिर आप लोग की मेहनत बनती है कि आप लोग मेरी हर क्लास को ज्वाइन कीजिए, हर क्लास देखिए, ठीक है। देखो यहाँ आते हैं दोस्तों कि इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा था, आप देखो अगर पूछ दो एग्जाम में कि इटली का एकीकरण का जनक कौन है, तो वो आपको जोसेफ मेजीनो है, ठीक है। और ये पूछ दो एग्जाम में कि इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है, तो आपको किसे कहा था, गैरिबाल्डी, किसे कहा जाता है दोस्तों, गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, जर्मनी का एकीकरण किया था किसने कहा था, बिस्मार्क ने, किसने किया था, बिस्मार्क ने। इसको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछ सकता है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है, तो जाता है बिस्मार्क को। आगे चलते हैं दोस्तों, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था, तो कौन था दोस्तों, प्रसा था, कौन था, प्रसा था, ठीक है, याद कर लो इसको। फिर दोस्तों आते हैं, रूसी क्रांति कब हुई थी, तो रूसी क्रांति आपको लेनिन के नेतृत्व में, किस नेतृत्व में, तो यहाँ पर मैं नहीं दिख पाया हूँ, याद करना दोस्तों, लेनिन एक नाम का शख्स था, लेनिन, ठीक है, लेनिन के नेतृत्व में रूसी क्रांति हुई थी, कब हुई थी, 1917, कब हुई थी, 1970 को। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन को उठा देगा, तो हो सकता है ये दोनों याद कर लो। फिर दोस्तों आपको वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसने किया था, उन्हें किसे कहा जाता है, तो वो कहता है कार्ल मार्क्स को। अरे कार्ल मार्क्स वाकई में काफ़ी अच्छे आदमी थे दोस्तों, इनका जब जिसको हिस्ट्री पढ़ने ना तो आप लोग इतना अच्छा लगेगा कि मैं क्या बताऊँ, कार्ल मार्क्स काफ़ी अच्छे आदमी थे, अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हुए हैं, आधुनिकवाद का जनक इन्हें ही माना जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन थे, कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स। जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है, जार मुक्तिदाता के नाम से किसे कहा जाना था, तो अलेक्जेंडर द्वितीय को, याद रखना, द्वितीय, प्रथम नहीं, द्वितीय को।
तो अजेंडर द्वितीय को यहाँ पर जार मुक्ति तथा के नाम से जाना जाता है। फिर दोस्तों शून्यवाद के जनक कौन है, शून्यवाद के जनक कौन है, तो यहाँ पर तुर्गेनेव। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, इसको आप काफ़ी हल्का मंच समझ कर इसे छोड़ दोगे। मैं बताया था दोस्तों हल्का मंच छोड़ोगे तो भी आप भी हल्का में चल जाओगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हल्का नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं खुद छाट छाट के दिया हूँ। ठीक है, इतना मैं छाटा हूँ क्वेश्चन कि लगभग इसमें 1000 क्वेश्चन निकलते थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही लिखा हूँ। आप इतना भी नहीं करोगे, 20-50 याद नहीं करोगे, फिर दोस्तों भी आपको कहाँ से इंटरेस्ट एग्जाम निकलेगी। तो कम से कम मेरी बात समझ कर 20-50 दे रहा हूँ नोट्स को याद कर लो, और मैं धीरे धीरे आपको आधुनिक भारत का भी देने वाला हूँ बहुत जल्दी नोट्स, तो घबराओ मत आप लोग। आते यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन कि अन्ना कैरेनिना, कौन सो अन्ना कैरेनिना बुक किसने लिखा था, तो किसने लिखा था, तो टॉलस्टॉय ने। अरे टॉलस्टॉय काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे यार, इनका हर किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम पूछ देगा कि बताइए अन्ना कैरेनिना बुक किसका की राइटर कौन है, तो कौन है, टॉलस्टॉय। आगे चलते दोस्तों कि आधुनिक रूस के निर्माता किसे माना जाता था, तो आधुनिक रूस के निर्माता माना जाता है आपको स्टालिन को। किसको माना जाता है, तो स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। अब देखो बात चलिए रूस के बारे में, तो बता दूं कि रूस के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं। ठीक है, वहाँ के माफ करना राष्ट्रपति चेंज हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पर कोई राष्ट्रपति है तो आप लोग नीचे कमेंट करना कि अभी नए कौन बने हैं। और बता दूं कि रूस जो है पूरे पूरे वर्ल्ड में नंबर सबसे बड़ा देश के में रूस का ही स्थान है, नंबर वन आता है रूस का, अपने भारत आता है 7वां प्लेस पर। ठीक है, चलो आगे आते हैं दोस्तों यहाँ पर राइट्स ऑफ मैन ये बुक किसकी है, तो राइट्स ऑफ मैन बुक है टॉमस पेन का। किसका है दोस्तों, टॉमस पेन का। राइट्स ऑफ मैन किसका बुक है, टॉमस पेन का। और मैं फिर बता दूं, चर्चा कर दूं कि संडे को, ठीक है फिर से बोलता हूँ, संडे को 10 बजे बिहार बीएड वाले के लिए लाइव टेस्ट होता ही, उनको उन लोगों को पता है। लेकिन जो पटना यूनिवर्सिटी वाले हैं बता दूं कि संडे को आप लोग के एजुकेशनल पॉइंट मेरे चैनल पर आप लोग को ठीक 8 बजे टेस्ट होगी लाइव, जरूर आप लोग लाइव जुड़ जाना। ठीक है, ठीक 8 बजे लाइव टेस्ट लूँगा आप लोग का, 20 क्वेश्चन दूंगा जो मैं आपको पढ़ाया हूँ सप्ताह भर में, वही मैं दूंगा, जरा बाहर में दूंगा, तो लाइव जुड़ जाना मुझे 100 टेस्ट लेने के लिए। फिर दोस्तों आता है यहाँ पर 100 वर्षीय युद्ध किन किन के बीच होता, तो 100 वर्षीय युद्ध चला था आपको इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 100 वर्षीय युद्ध चला था। गुलाबों का युद्ध किसे कहा था, तो गुलाबों का युद्ध दोस्तों कहाँ हुआ था, किसे नहीं कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था गुलाबों का युद्ध। ठीक है, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ था। फिर बताते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, ये आपका कार्यकाल है, ये आप लौट लो। इसके तत्कालीन कारण क्या थे, तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया के, ठीक है यहाँ के, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार, इसका नाम है फर्डिनेट, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इसके राजकुमार का नाम ही पूछ देता है, तो इम्पोर्टेंट ये भी है। ठीक है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेट की हत्या के कारण यही इसके बने तत्कालीन, तभी ये प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हो गई थी। फिर दोस्तों यहाँ पूछेगा कि फासिज्म का उदय कहाँ हुआ था, तो इटली में। कहाँ हुआ था, इटली में फासिज्म का उदय हुआ था। और फासिज्म के जन्मदाता कौन थे, तो वो कौन थे, मुसोलिनी। कौन थे, मुसोलिनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से लगा 1945 तक हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है इसका। और इसके क्या थे तत्कालीन कारण, क्यों हुए थे, तो जर्मनी ने पोलैंड पर बिना कुछ कहे सुने आक्रमण कर दिया था, यही इसका तत्कालीन कारण बना, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। आगे चलते दोस्तों यहाँ पर कि ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर ये है कि 6 अगस्त को और 9 अगस्त ये 2 दिन को ये हुआ था घटना 1945 में, जापान के हिरोशिमा, अमेरिका ने, ठीक इसने, तो अमेरिका ने जापान के एक हिरोशिमा और एक नागासाकी, हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को, ठीक है, एक लिटिल बॉय नाम का एटम बम और एक फैट मैन का नाम का एटम बम, कभी कभी आपको बम का नाम ही पूछ देता है, ये इंपॉर्टेंट है। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एटम बम और 9 अगस्त को नागासाकी पर फैट मैन नाम का एटम बम गिराया था, ठीक है, द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार में, जिसके कारण जापान पूरी तरह की उनकी जो है अर्थव्यवस्था उनकी बर्बाद हो गई थी, वो मतलब पूरा हो गया था, बर्बाद हो गया था। तो दोस्तों यही थी आज की क्लास, जिसमें मैंने आप लोगों को जितने भी थे मैं आपको पूरा कर दिया, और आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो भी समझ में आई होगी। दोस्तों अब आते हैं यहाँ पर काम की बात, अगर चाहते हो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना, जल्दी से ऐड हो जाओ। और बता दूँ कि मैं जो हूँ आपको हर दिन क्लास ले रहा हूँ पटना यूनिवर्सिटी वाले के लिए, ठीक है, तो अगर चाहते हो ज्वाइन होना ज्वाइन कर लो। आप तो यहाँ से बात आती है कि मेरी हर क्लास आप लोग कहाँ से दे सकते हो, मेरी सभी क्लास देखने में कुछ नहीं करनी है दोस्तों, आपको मैं नीचे एक दे दिया हूँ अपना प्ले लिस्ट का लिंक, जो कि आपको PU के लिए है, पटना यूनिवर्सिटी वाले के लिए है, वहाँ पर जाओ। और वहाँ पर जाने के बाद आपको प्ले लिस्ट पर क्लिक करने में दिखाया जाता है, मान के चलो आप मेरे चैनल पर जाओगे या फिर आप जाओगे मेरे चैनल पर, तो चैनल पर जाओगे आपको चैनल पर जाते ही मान के चलो आपने सर्च किया चैनल, मेरा चैनल का नाम है एजुकेशनल पॉइंट, थोड़ा लेट कर रही है,
ठीक है, एजुकेशनल पॉइंट सर्च कर लो, EDUC एजुकेशनल पॉइंट। जैसे ही सर्च करोगे दोस्तों, तो मेरा चैनल आपको खुल के यहाँ से निकल के आ जाएगा। निकलने के बाद उसमें एक आती है प्लेलिस्ट की लिंक, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। तो देखो ये आपको चैनल निकल के आ गया। अब यहाँ देखो जाओ प्लेलिस्ट में जाओ, और जाने के बाद क्लिक करोगे तो मेरा पटना यूनिवर्सिटी वाला देखो यहाँ पर निकल के आ गया है, पटना यूनिवर्सिटी देख रहे हो ना, इस पर क्लिक करो। अब क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर जितनी भी मेरी वीडियो आई थी, यहाँ पर मैं क्लास ले रहा, क्लास टू आ चुकी है मेरी, और ये तो मैं बताऊँ क्लास थ्री है, और देखो ये मेरी क्लास वन भी आ चुकी है। जाकर यहाँ से देख लो लूसेंट कैसे पढ़ी, मैं सबके सब आपको दे दिया हूँ। खैर मैं लिंक भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, चैनल सब्सक्राइब मारो, और जो यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो चाहते हैं पी जी करना बिना कोचिंग क्लास के बिना कुछ के, तो उनको उनको बता दो कि यहाँ की सोलह क्लास स्टार्ट हो गई है, वो आकर ज्वाइन कर ले। और मैं बहुत जल्द दोस्तों BCA के भी, मैं BCA BSC का भी मैं तैयारी करवाऊंगा। स्पेशल चिंता मत करो दोस्तों, क्लास स्टार्ट हो गई, क्योंकि आप पता है फॉर्म की डेट बढ़ गई है, हो सकता है दोस्तों इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा नॉर्मल हो गया हूँ, लेकिन धीरे धीरे मेरे को सभी क्लास आएगी। तो गुड बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।